ये है पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विच, जिन्होंने बार बार आ रही शिकायतों के चलते जिला सचिवालय स्थित निजी पार्किंग में अवैध वसूली का बड़े ही तरीके से स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। दरअसल विधायक ने अपने कार्यालय से पहले अपने पीए को बाइक पर जिला सचिवालय भेजा, जहां पार्किंग के कारिंदों ने पीए की बाइक रुकवाई और पार्किंग शुल्क की मांग करते हुए 20 रुपए की पर्ची काट दी, जबकि पार्किंग के टेंडर में सिंगल बाइक की 10 रुपए की पर्ची का प्रावधान है। पार्किंग ठेकेदारों की गुंडागर्दी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब विधायक के पीए ने अवैध वसूली का विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी भी की गई, जिसके बाद खुद शहरी विधायक प्रमोद विज अपने ऑफिस से बाइक पर हेलमेट पहनकर और शॉल ओढ़कर सचिवालय पहुंचे, जहां पार्किंग के रंगबाजों ने विधायक की बाइक भी रुकवाई और 20 रुपए की पर्ची काट दी। लेकिन जैसे ही प्रमोद विज ने अपनी शॉल और हेलमेट को उतारा तो पार्किंग में तैनात कर्मचारी विधायक को देखकर भाग निकला। इस घटना के बाद विधायक ने सीटीएम समेत कई अधिकारियों को बुलाकर पार्किंग ठेकेदारों की खूब खिंचाई की, जिसके बाद जिला उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने पार्किंग ठेकेदार को कार्यालय बुलाकर खूब फटकार लगाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। ऐसे कि बहुत दिन से ना शहर से कंप्लेंट्स आ रही थी, बच्चे आते थे स्टूडेंट्स के, जो बैंकों में काम करने के लिए फैक्ट्री से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, तो उन्होंने किंग में जिसको भी ठेका दिया गया, मैं नहीं जानता किसके पास है ना, तो रेट के बोर्ड लगे हुए हैं और उसमें ठेके में इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको कि उसको सारे बोर्ड हर जगह डिस्प्ले करने हैं बड़े बड़े, जो दूर से पढ़ा जा सके। तो हमने जानकारी में आया कि कहीं ऐसे बोर्ड नहीं लगे हुए, अगर लगे भी हुए हैं तो पर्ची की स्लिप लगी हुई है। लेकिन लोगों ने ये बताया कि हमसे सिंगल एंट्री का ही वो 20 रुपये से कम नहीं लेते, और जो पर्ची है उसके ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ है और उसको फ्लूड लगा के रब किया हुआ है बस, और लेते 20 है, नहीं देते तो झगड़ा करते हैं। तो मैंने इस बात की जानकारी लेने के लिए आज सुबह पहले अपने पीए को मोटरसाइकिल पे भेजा, वो आए, उसके साथ भी यही वारदात हुई, उसने 20 रुपये लिए, 10 रुपये की पर्ची थी, बहस करते हुए कहा नहीं ये रेट है।